जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देव के नंद की। एक मुष्टिका का प्रहार किया अपने मुख पे, दोनों दांत हाथ में आ गए। लीजिए ये आप स्वर्ण दान लीजिए। भगवान तो परीक्षा लेने आए थे, जब वो परीक्षा लेते हैं तो ढंग से लेते हैं। आजकल के टीचरों की तरह नकल थोड़ी पकड़ा देते हैं, नकल नहीं पकड़ाते हैं बच्चों को। अभी पेपर चल रहे हैं, यूपी में चल रहे हैं, यहां भी चल रहे होंगे, आई हो चल रहे हैं, नहीं यहां टेंथ के चलेंगे, चल रहे होंगे, जो भी हो। बच्चों से एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नकल करके कभी भी पास होने की कोशिश मत कीजिएगा। जो व्यक्ति नकल करके पास होते हैं वो न सिर्फ अपना नुकसान करते हैं अपितु अपने देश का भी बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। जो नकल करके पास होंगे ना अपना विकास कर सकेंगे ना अपने देश का। सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं होता है कि डिग्री मिल जाएगी तो हमें नौकरी मिल जाएगी। अरे भाड़ में जाए ऐसी नौकरी जो किसी की जान लेने पे विवश कर दे, बिल्कुल भी नहीं। अपने देश को आगे बढ़ाना है तो दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। और हमारे व्यासपीठ आपको शुभकामना देती है, भगवान करे आप मेहनत करें, दिल से पढ़ें और इतने अच्छे मार्क्स आए कि नकल करने वालों के कभी ना है जितने तुम्हारे अच्छे हैं। बस मन लगा के पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा मन लगा कर, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना पड़ेगा तो अपने आप ही अच्छा काम होता चला जाएगा। भगवान पूरी परीक्षा लेने आए थे इसलिए परीक्षा पूरी ली। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो, तुम इतने बड़े दानवीर हो और इतने बड़े दानवीर होने के बावजूद भी क्या तुम्हें यह नहीं पता कि झूठा दान नहीं दिया जाता? तुम झूठा दान दे रहे हो मुझे, यह झूठा है, तुमने मुंह से निकाला है। बोले भगवान क्षमा करना, मुझे आभास नहीं रहा, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं उसे शुद्ध करके आपको दूंगा। वो जरा उधर पड़े हुए धनुष बाण मुझे दे दो, मैं अभी से शुद्ध करता हूं। भगवान बोले हम तुम्हारे यहां भिक्षुक बनकर आए हैं, तुम्हारे नौकर बनकर नहीं आए। अगर दान देना है तो ढंग से दो, मन से दो, और नहीं देना है तो मना कर दो, हम चले जाएंगे। नौकर थोड़ी है जो तुम्हारा काम करेंगे, धनुष उठाओ बाण उठाओ, ये काम तुम्हारे सेवक का है, हमारा नहीं। फिर क्षमा मांगी करना है, क्षमा चाहता हूं भगवान, मैं भूल गया था, मेरी यह अवस्था है, मुझसे चला नहीं जा रहा था, तब मैंने आपसे सहयोग मांग लिया, पर आप मत करिए। मैं अभी कर अपनी कोहनियों के बल अपने आप को घसीटते हुए कर्ण धनुष बाण तक लेकर गए और धनुष की प्रत्युंचा पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को निशाना बनाया, वहां से बाण गंगा को प्रकट किया और उसमें पवित्र किया उस स्वर्ण को, उस स्वर्ण को पवित्र किया और स्वर्ण को पवित्र करके भगवान की तरफ बढ़ा दिया। लो प्रभु ये दान है। तब भगवान प्रकट हो गए, साधुवाद साधुवाद, साधु साधु साधु, कर्ण तुम धन्य हो, कर्ण तुम महान हो, हे कर्ण तुम्हारी इस दान की चर्चा युग युगांतर तक होती रहेगी। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।